पूरे जान जोकर पड़े मुजरिम तक पहुंचना होता है। हां दिलावर, एड्रेस तो तुमने दे दिया, लेकिन ये बताओ कि फैजू इंसान कैसे है? बता है खौफनाक, लेकिन अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान है जो दोस्तों का दोस्त और काबिल एतमाद है। ठीक है, मैं सोचता था रिहा होकर मैं कहां जाऊंगा, कोई ऐसी जगह भी तो हो जहां चार दिन सुकून के गुजार सकूं। मैं खुद रोज दोस्तों लूंगा, मुझे तंग आ चुका दिया। अभी से थक गए? नहीं यार, ये बात नहीं, आज तुम भी सोचो, जरायम की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, 24 घंटे खौफ से मुसल्लत रहता है, कभी कभी अकलमंद महसूस होने लगते हो। छोड़ो यार ये बात, ये बताओ किसी को पैगाम देना है? पैगाम? दोस्त तो तुम्हारी शक्ल देख कर पैगाम पढ़ लेंगे। अरे भाई मेरा मतलब है, पैगाम पढ़ लेंगे। अरे भाई मेरा मतलब है किसी को खत, लव लेटर रेशमा के लिए। रेशमा? लगता रेशमा के लिए कोई पैगाम? हाँ पैगाम, ये खत पहुंच रहा तुम। हेलो हेलो फजल खान सर। यस सर। खान प्रोफेसर शेराती को जानते हो? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह क्लब में मुलाकात होती रहती है। प्रोफेसर को खरीदना क्यों ना पड़ जाए। देखो प्रोफेसर बड़ी मुश्किल चीज है, उसे हर हाल में खरीदना है। सर इस दुनिया में हर इंसान खरीदा जा सकता है, बशर्ते कि उसकी सही कीमत लगाई जाए, और जिसकी सही कीमत नहीं लगाई जाती, लोग कहते हैं वो बड़े उसूल का आदमी है, बिका नहीं। थैंक यू सर। Thank you.
निकालो बस। तीन है जवान, इस झगड़े की वजह दीदी नहीं पता। नहीं, तुम्हारे छोरे ने मेरा पर्स निकाल लिया था। ओ, इसमें क्या था? तेजी दादा कह दो, किसने दिया था? बिलावल ने। रफ्तार बड़ी खतरनाक है, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला मिल चुकी थी आजम। तो क्या तुम तेजी दादा? अरे ये नहीं तो है तेजी दादा, कुछ और भी कहा था। किसने? बिलावल ने। हाँ, एक वक्त नाम लिखा दिया था। किसी लाइट दे दर्शन करने वाला तो अब आ रहा है बच्चे। अरे कौन आ रहा है जाने जिगर, कुछ हमें भी बता, हम भी तो सुने कौन आ रहा है वो। तेरा बाप दिलावर। दिलावर? अरे बाप रे बाप, लेकिन ये देख ले मैं क्या कोई उससे डरता हूँ। अरे जा देख लूंगा जब वो आएगा। ये बहादुर तेरी वो आकर ही निकाल लेगा। अरे जा ये तू तड़ी किसी और को दीजिए, और मैंने तो आके उसे 2 साल के लिए अंदर कराया। अगर मैं चाहूँ ना तो 14 साल के लिए उसे अंदर करा दूँ, क्या समझी? और मेरा नाम जानना कबाड़िया है, जानना कबाड़िया। क्या कबाड़ा तो मैं ही करूंगी। अरे जा तू क्या कबाड़ा। देखी तूने मुझे क्या समझा? अब तो दूल्हा बन के नाम है आया ना तेरे घर, फिर कही। हमें इत्तला मिली है कि आजम जेल से रिहा होकर फैजू दादा के अड्डे पर पहुंचेगा। तुम अमजद से कहो कि आजम को लेकर फौरन यहां पहुंचे। अगर आजम वाकई इतना बड़ा शार्पर है तो आपके मैं हांगकांग वाले को नंगा करके भेजूंगा। एक मेरी चाल, एक अपन की भी चाल। अभी चल, अभी चलो चाल। अपन तो गया, ये अपना गया उस्ताद बीस का। अपन तो गया गया। हाँ चल, वो उस्ताद पर ओपन करो। ओपन कर। हाँ तीन यक्या उस्ताद। उस्ताद तुम अपनी जिंदगी पहला आदमी है जिसने अपन को शरीफ दिया। साला हर जीतने वाले से यही बोलता है। इज्जत बनी रहने तो बाबा। तेरी माँ के पास बस
अरे वहां क्या मिलेगा, चलो यहाँ हमारे पास आओ। खाली गए खड़े खाली। मैंने कहा आ जा सीने से लग जा। उसको इतनी फुर्सत नहीं, उसने ये काम हमारे सुपुर्द कर रखे हैं। अरे गंजे खरीब, अभी ये क्या हो रहा है, मुजरा हो रहा है, अभी ये मुजरा हो रहा है। कदरदान और तेज पान क्लब का मालिक, तुम जाओ आजम खुद पहुंच जाए। क्योंकि सदा सदा आ गए सर, आपका टेलीफोन। थैंक यू। हेलो कैसी हो? आज तुम्हारा डांस है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा भाई, जरूर पहुंचूंगा। ओ भाई ये लिबर्टी तो क्या चीज है, मैं तुम्हारी खातिर दुनिया छोड़ सकता हूँ। आई विल बी देयर इन टाइम, बाय। आजम की जितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़ कर हो पाया। इसका ख्याल रखना अफजल खान, ये दिलावर का यार है, मुझे कोई शिकायत ना पहुंचे। अच्छी तरह जानता हूँ फैजू, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। जब भी जिससे शिकायत हुई उसकी छुट्टी हो गई।
अगर मुझे तुम्हारे आने की पहले खबर होती तो तुम्हारे इस्तकबाल का छाया में शान मिलता। वैसे अब भी कोई कमी नहीं रह गई है। आ जाओ। कौन सा फल? यही दर्जन दर्जन था। हमारा बहुत बड़ा उतार है। सारे फल खुद सिखा देता। जमाने की चक्की ने खूब पीसा है। ऐसा वैसा कुंदन बना दिया है। कुंदन हो, मैं भी सोचती थी ये सारा तमाम किसके लिए किया जा रहा है। अब तुम मालूम? बिल्कुल, तुमने तो यूं कीड़ों मकोड़ों की तरह नकल कर रख दी। जिंदगी भर कीड़े मकौड़ों का तजर्बा करते करते लिबोरेटरी का एक कलपुर्जा बन गया था। जरासीमों में काम करते करते ये भूल ही गया था कि मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन शैला, तुम मुझे क्या मिली? मुझे ऐसा लगा जैसे 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 क्या प्रोफेसर? जैसे जैसे मेरा माली वापस लौट आया है। मेरा दिल चाहता है शैला, यकीन करो, जब भी मैं तुझे देखता हूँ मेरा दिल चाहता है मैं हंसू, गाऊं, कह लगाऊं और सारे जमाने की खुशियां अपने दामन में समेट लूं। तुम तो वो बाहर हो जिसको कभी खिजा नहीं। गुफ्तगू का फन तो कोई आज से आज सिर्फ एक साइतान नहीं, एक अदीब भी है। आपकी बातों में जिंदगी है। अबे ओ सिद्धे, अबे ओ जाके पता कर रखू से, उसने घोड़े का इंतजाम क्या के नहीं किया? उस्ताद जी, रखू इनको आके आ गया था कि घोड़े के 10 रुपए होंगे और गदी के 20 रुपए। 20 रुपए? अबे तो फिर सोच क्या रहा है? और चल जा, इससे अच्छा मौका क्या आएगा, जा जल्दी से जाके घोड़ी का वो गदी का इंतजाम कर। उस्ताद जी, और उन्होंने तो बाहर सारा इंतजाम करके रखा होया है। इंतजाम कर लिया तो फिर सोच क्या रहा है? वैसे देख यार, मैं कोई ज्यादा लग रही हूँ कि नहीं? साजी आप या अबे मैं? ओ आप साजी, खुदा की कसम आज तो आप शहजादे लगन गए हुए हैं। खुदा की कसम शहजादे इकबाल से। अबे अबे ये क्या कर रहा है साजी? छुआरा खा रहा हूँ, और क्या करें गए हुआ हूँ? छुआरा खा रहा हूँ, वहाँ पे शादी पे खाइए ना, मंगनी पे जा रहे हैं। और जी उसे जाके तो पावे हमको कुछ भी ना मिले, यहाँ तो खान दे। अबे यहाँ पे खाएगा तो वहाँ पे तेरा बाप लेकर आएगा। चल 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 यहाँ पे चल चल। हाय हाय कुर्बान जाऊँ अपने लाले वीर पे, हजारों में सोना लग रहा है। हाय अल्लाह नजरे बब से बचा मेरे वीर को, पूरी खोती पे नर्सरी लेकर जा रहा है। कैसे निमाने की दुल्हन की माँ? और चपकारो चपकारो खुशरे भी मस्क और कल नचकर भी दिखा खोते भी मामा। अबे डाल आराम से बैठ, क्या कर रही है? अबे ओ लंडे या ओ लंडी, चल देना नाच के तो तुमका मार। आए ले इसी खुशरी आले में तो मैंने एमए किया, नाच है बजा रहे बजा मेरे संग साथ पीछे। आए देखा राजा, आए देखा राजा मेरे ये बुढ़ापा भी आता है। इंसान दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है, किसी को सुख नहीं बचा सकता। ऐसा माँ जब यही बातें करती रहती हो। अरे बेटी, जो किसी की चाह ना आ सके बातें ही तो कर सकता है। अब तो यही फिक्र लगी रहती है, तू जल्दी से अपने घर की हो जा, तो मैं भी सुकून से मल्ला ना करे माँ, ऐसी बात समझने से नहीं निकाल दो। मैंने तो एंड लग रहा, तू तेरा आखिरी डांस है। आ जाए तो फिर आखिरी है तो सुन ले। आए जिंदगी तमाशा बने। तो कोई छगने का काम में फिर मैं तेरा को चंगा करांगा, खुदरा कट पे डांस का चूरन बहुत लगा। मेरी मेरा होती चले।
ये शोर कैसे बिजी? देखती हूँ माँ। माजी माजी सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम। कौन है? वो जी वो मैं हूँ जाना कबाड़ा। तू यहाँ क्या करने आया है? अभी कोई सफर बाकी नहीं है? वो जी माजी बस एक छोटी सी अर्ज करने के लिए आया। बस बस अर्ज नहीं सुननी। वो मैं तो ये कह रही हूँ कि आप मुझे बस अपनी फर्जंदगी में ले लें। क्या? मैं वो मेरा मजबल है कि अपनी फर्जंदगी में आप ले लें मुझे। मेरे से अच्छा लड़का जो ना खुदा की कसम पूरे शहर में नहीं मिले। लड़का? हाँ लड़का। बकवास बंद कर, देखो सर निकल जाए यहाँ से। अरे रेशमा क्या देख रही है? निकाल से बाहर। माँ बस तेरी इजाजत की जरूरत थी। ये क्या हो रहा है? अंदर उस्ताद को छतरावन ढूंढ लिया हुआ है। आए हमारा नारा है इतना खूबसूरत घोंगली और घोंगलू है जो मिट्टी जाग जा रही है उसके ऊपर से। हमारा उस्ताद है, कोई रिजाई नहीं है। जिसकी मिट्टी के अंडे हुए हैं तुम दो दो से ढोलक बजाओ एक बात से कि हमारे उस्ताद की थप छोड़ कोई बार न फूल सके। आए मैं मर गई। आए किधर चला गया? भाग गया बुड्ढा। आया था मंगनी करवाने। अच्छा हुआ फिर कभी नहीं आएगा। जिंदगी तो क्या है, कुछ गुजर गई है और कुछ गुजर जाएगी। लेकिन हर काम करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कहीं उसका कदम गलत तो नहीं। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर ताज्जुब होता है। ताज्जुब की कोई बात नहीं, तुम क्लब के मेंबर हो, तुम्हें यहाँ होने वाले सफेद का इल्म है। हाँ। और यही जानते हो बॉस की मर्जी के खिलाफ काम करना मौत को दावत देना है। जिंदगी और मौत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जिंदा। अकेले ही अकेले मौजूद आई जा रही है? नहीं यार, ये हमारे लिए लाया है। शौकत खूब पहचान है मेरे यार। शाबाश, इसे हमारे हवाले कर दे और घर चला जा। शाबाश जा जा जा, जा शाबाश घर। ठीक है ले जा सकते हो तो ले जाओ ले जाओ।
जी कुछ नहीं लाया, नए खाने दाने बड़ी शक्ति कर जावेद दोबारा तब्दील होकर आ गया। उसी ने तो दिलावर को जाना कबाड़िया के हाथ से गिरफ्तार कराया था। पुलिस पर इलाके के अमन अमान की जिम्मेदारी आयत होती है। मैं आप लोगों की मुश्किलात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे इलाके में चोरी चिकारी और गुंडागर्दी जैसी वारदात गवर्नमेंट के जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुए शराब और क्लब पर पाबंदी लगाने के बाद मंशियात की तिजारत, ये सब कुछ हमारी गफलत का नतीजा है। अगर पुलिस ईमानदारी से अपने फराइज पर अंजाम दे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुल्क में किसी किस्म की बदमनी नहीं हो सकती। अरे ठीक से दबा साले। अच्छा जी, सलाम दादा। आओ शेरे, कैसे आना हुआ? फैजू दादा, तेरे आदमी ने तेरे बनाए हुए कानून का मजाक उड़ाया है। फैजू का कानून कोई सियासी कानून नहीं, जिसको तौरकार या उसने तरमीम या तब्दीली करके उसको मजाक का निशाना बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ है। बात करो। तेरे आदमी ने हमारे इलाके में आकर शिकार मारा, हमने उसे मना किया लेकिन वो बाज ना आया। तो नाम बताओ। मजीदा। कितनी रकम थी? 2000। मजीदे उस्ताद, मैं अपने शिकार का पीछा करते हुए इसके इलाके में चला गया क्योंकि मैं अपना शिकार नहीं खोना चाहता था। शिकार 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 के लिए फैजू कानून नहीं चाहता। मुंशी मुंशी सरदार, इसकी रकम वापस कर दो। क्या कहा सरदार? रख दूं इसकी रकम वापस कर दो। ठीक है सरदार, ठीक है। जल से तुम्हारे खानदारी को करेले का पानी। रेशमा चल मेरे साथ, छोड़ दे इन गलियों बाजारों को। क्या रखा है यहाँ? क्या रखा है यहाँ? तो कोने कोने में मुझे दिलावर की खुशबू आ रही है। अरे भूल जाओ दिलावर को, वो गया 2 साल के लिए। 2 साल तो हम चिपक से गुजर जाएंगे, फिर उसने आ ही जाना। जब आएगा तो असल के साथ उसे सूद भी लौटा देंगे। तो ले लिया तूने, मुझे नहीं अपने मुकद्दर को ठुकराया है। माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे छोड़ो, बहुत देखे हैं वो जैसे 30 मार खान। किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने आए? मगर बॉस, रेशमा का वह बच्चों का खेल नहीं, भेड़ों का छत्ता है। और तुम कहोगे कि भेड़ों के छत्ते में फैजू पहलवान भी है? फैजू पहलवान के साथ आजम भी है बॉस। आजम आजम आजम। मगर बहुत आजम दिलावर का दोस्त भी है। ओ, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले आजम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और आज ही, इतने जज्बाती ना हो सर, हमें ऐसा फैसला करना चाहिए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। बिल्कुल ठीक, मलक कासम ने कराची स्टोर का जो गबन किया था उसका हिसाब लेने के लिए आजम को भेजा जाएगा। ओके बॉस, ओके। मगर सेठ हांगकांग वाले के साथ एक बाजी लगाने के बाद। हमें तुम्हारी ये तजवीज पसंद आई, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। दादा पूरे 5000 लगे, देख लो पसंद आए तो सौदा कर लो। मैं ऐसी खतरनाक चीज अपने बेवकूफ कौम के हाथ से रोक कदर नहीं चाहता। दादा, ना तो तुम स्मगलिंग करते हो ना असला भेजते हो, इससे तो अच्छा है किसी मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह किया करो। ये भी कर लेता लेकिन वहां भी सबका बंदी ने तेरा चमैर है।
शेर साहब वो आ गए, आइए आइए तशरीफ रखे। शेर साहब इनसे मिलिए। इनसे तो मैं मिल चुका हूँ। इनसे नहीं, आपसे मिलिए, आपने शेर साहब। गिली 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 ऑफ खलीफा। गिली गिली मतलब ये कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुक्र। ये काली फॉर्म कहाँ है सेठ? गिली गिली बात करते हैं आप सेठ साहब, आपने तो पूरी दुनिया देखी है और आपको काली फॉर्म का नहीं पता? हाँ काली फॉर्म वो जो पोल्ट्री फॉर्म के पास याद आया, काली फॉर्म में तो हाथी के शिकार के लिए गया। ओहो सेठ साहब आप तो हाथी के शिकार की क्या जरूरत।
पसंद नहीं आए। छहला बात यह है कि मैं तुम्हें हर अलल्ले तलल्ले के सामने नाचते हुए देख के बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दो टके का आदमी हर शख्स तुम्हें चाम की लगाए। नहीं, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है जनाब? आप मेरी डिमांड पूरी करते तो बहुत खुश हो जाएंगे और मैं आपकी हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ ना। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? जब डिमांड पूरी होगी। वो भी हो जाएगी। हेलो हेलो, सिर्फ ये मालूम करने आया हूँ कि हमारी डिमांड कब पूरी होगी। आपकी डिमांड बहुत कीमती है। क्या शैला से भी ज्यादा? नहीं, शैला का जर्रों से क्या मुकाबला। तो फिर मंजूर? 100% मंजूर। लेकिन कब? बहुत जल्द। गुड, बेस्ट ऑफ लक। आजम, मैं तो कहती हूँ कि तुम अब भी अपने फैसले पर गौर कर लो और हम दोनों क्लब छोड़कर कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लें। किसके दिल में ख्वाहिश नहीं घर बसाने की, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। या हम दूसरों के मोहताज हैं? वो तो ठीक है, लेकिन जितना हम क्लब के राजों में शरीक होंगे उतनी ही वापसी मुश्किल हो जाएगी। देखा जाएगा। मैं इतनी दौलत इकट्ठी कर लेना चाहता हूँ कि आइंदा जिंदगी सुकून से गुजर सके। जब मैं थका हारा घर आऊं तो दरवाजे पर तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे बच्चे, नन्हे नन्हे पाँव जो मेरे छाती पर रखकर खड़े हों, तुम मुझे अकेले समझे एहसास। अबे ओ सीधे, देर की आ रही है। मैंने 50 रुपए में खरीदा माल। कैसा है पिताजी? आपने तो कमाल कर दी है, बड़ा सस्ता खरीद लेता है। बता की कहता हूँ। अबे हाँ, क्या बात है? ये घड़ी है। जी हाँ, घड़ी है। क्या करूँ? बेचनी है। कितने की? कम से कम 50 रुपए तो बेचो। वाह वाह, चोरी का माल है, कम से कम 50 रुपए। अबे देखिए, ऑटो में टैग है। वैसे देख ले, ऑटो में टैग तो है उस्ताद जी। ले बेटा, ये कैसी घड़ी है? बिल्कुल गली सड़ी है, जो हमारे पल्ले पड़ी है। कभी खो जाती है, कभी चल पाती है। तो भाई ले ले, ले ले भाई ले ले। क्या समझा? ले ले, ये सिर्फ इसके 5 रुपए मिलेंगे। 5 रुपए जी? हाँ। ये टाइम वाली घड़ी है, कोई पानी डालने वाली घड़ी तो नहीं? अबे तो मैंने कब कह दिया ये घड़ा है, घड़ी है। क्या समझा? घड़ी। 5 रुपए लेने तो चलो फिर दे दो। तो पहले कह देता घड़ी ले लो 5 रुपए। देख भाई कैसी है ये। देख भाई, मैंने 4 रुपए तो, 1 रुपए तो तेरे से पहले लेना है। 4 रुपए ये ले ले, हिसाब पूरा। रुपए अपने भाई के लक्षण देख। सच्चा? क्या किया मेरे गुड्डू ने? मान लीजिए मेरा पीता बथाल चुराया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। क्यों गुड्डू बेटे? नहीं मानी, चोर है। इसने थार देख के उन पैसा जुआ खेला है। बोल रजीजो, कह रही है ठीक है। बोल, बोलता है जवाब दे। ये बहन कहीं चोर भी अपने मुंह से बोलता है? ये तो पक्का चोर है। रोज कोई ना कोई चीज, कभी लोटा है, कभी चिमटा है। आज पता चला है ये तेरी गुड्डू की कारस्तानी है। मैं तो तंग आ गई, रोज कोई ना कोई शिकायत ही चलाता है। तू भी बाबा के साथ ही मर जाता तो अच्छा होता, इसे क्यों पोसती है? ये सारे बिगाड़ का जिम्मेदार सर जो है, अगर कोई शिकायत करनी है तो उससे कर। ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। अगर आज तू तेरा होता तो तुझे दुख का एहसास
होता कि तू क्या कर रहा है, तू इस पूरी रिश्ते को तबाह कर रहा है, तू इस काम का कातिल है। हाँ, मैं इस काम का कातिल हूँ। इस काम और मुल्क ने मुझे क्या दिया रेशमा? दर दर की ठोकरें, जेल और रसवाई। जब तक मैं फैज मोहम्मद रहा, इन लोगों ने मुझे इंसान तकलीफ नहीं किया। ये लोग मुझे अपने पास नहीं बताते थे, अदालत से धुतकार देते थे। और अब जब से मैं फैज दादा बना, तो ये लोग मुझे छुक छुक कर सलाम करते हैं, मेरे पांव की खराब सुनकर रास्ते छोड़ देते हैं। रेशमा, अब तो इस धरती के लोग भी मुझे छोटे छोटे नजर आते हैं। जिसे तू चाहे समझता है वो बुलंदी नहीं कमेंगी है। तू गंदगी के ढेर पर बैठकर अपने आप को भड़ा समझने लगा है। जो तुझे यकीन नहीं आता तो आज कल तुझे दिखाओ। इस विरासत ने नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को कहाँ पहुँचा दिया। भाई को जंगे दांव पर लगाया है, कल ये अपनी मां बहन की जिस्म की दलाली भी करेगा। नहीं, मैं इस कौम के बच्चों को तलाक नहीं बनने दूंगा। हमारे खून मुबारक। अरे गाय का मुबारक। फैजु दादा भाग गया। भाग गया साला। हाँ भाग गया और धंधा छोड़ गया। भाग गया धंधा छोड़ गया, आखिर बुजदिल था ना। अब इस इलाके के हम मालिक हैं और आज के बाद हम उनके साथियों को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। लेकिन दिलावर। दिलावर? अरे उस साले को जेल से आने दो, फिर देख हम उस पंछी के कैसे फरकाते हैं, ताकि फिर कभी उड़ ना सके। कारकुन पर शक की गुंजाइश निकलती है तो सबसे पहले तुम्हारा नंबर आता है या फिर मेरा। ओके आजम। यस बॉस। तुम्हें आज ही कराची जाना होगा। कराची? हाँ। हमने अपने स्टोर की निगरानी के लिए मलक कासम को मुकर्रर किया था, लेकिन वो कमीना अपने औकात से बाहर निकल गया। तुम्हें कराची जाकर उससे स्टोर का मुकम्मल हिसाब लेना होगा, इसलिए कि हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है। बस आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम जा सकते हो। ओके सर। कैसी हो? ठीक हूँ भैया। वो फैजू कहाँ है? उसका डेरा तो यहाँ पड़ा हुआ। रेशमा बेटा, किससे बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये
आजम की आवाज है ना? बिल्कुल सही पहचाना वाली, आप ठीक तो हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बेटा, तो बता खैर से तो आया? खैर ही खैर है माजी, कराची जा रहा था, सोचा फैजू से मिलके चला जाऊं। भैया फैजू तो पता नहीं कहाँ चला गया। चला गया, ऐसी क्या बात थी? ये दुनिया ख्वाहिशात का समंदर है बेटा, इंसान जितना इसकी गहराई में जाता है उतनी ही उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाती है, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अपने सुकून की तलाश में दुनिया की हर चीज को ठोकर मार देता है। ऐसा ही कुछ फैजू के साथ भी हुआ, वो इस मकरो फरेब की दुनिया से इतनी दूर चला गया जहाँ लोग उसे फैज मोहम्मद के नाम से जाने हैं, फैजू दादा कहकर पुकारने वाला कोई नहीं। ये गाड़ी में कौन आया है? शादी। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुला नहीं जानता, चोर का हिसाब लेने आया हूं। ओ, तो तुम चोर का हिसाब लेने आया हो? ये लो। आओ तो बताया था तुमने, कौन है ये? चोर का हिसाब लेने आया है। अच्छा, वक्त तुम्हें भेजा हिसाब लेने के लिए, अगर फजल खान खुदाता बदला पिछला हिसाब तेरा हो जाता। फजल खान ने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि वो खुदाता, और फिर मेरे होते हुए वो फोन जैसे ईमानदार से बात करना भी पसंद नहीं करता। काफी जुबान दराज हो, हाथ भी कम दराज नहीं, आजमाइश शख्स है। मुझे बच्चों के मुंह लगने की आदत बिल्कुल नहीं, बड़ों की मैं भी इज्जत करना चाहता हूं अगर वो इज्जत कराना चाहे। काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। बदलखा के हाथ कहां से आए? पलाश माश सबसे बड़ी दिलचस्पी है, इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और फिर तुम जैसे लोगों से मुलाकात का सबब भी बन जाता है। गुफ्तगू का सर भी खुद जानते हो। अरे साफ, फनकार तो बहुत बड़ा हूं, कदरदान की कमी है। भाई मेरे साथ चले आओ, सब दुख दूर हो जाएंगे। भले एक की मुलाजिमत की हद पैदा कर लूं, फिर तुमसे भी बात कर लूंगा। हिसाब चाहिए? हिसाब लिए बगैर नहीं जाओगे? अरे नहीं का लफ्ज तो अपन डिक्शनरी में है ही नहीं साहब, मुझे हिसाब दो। हिसाब चाहिए? खबरदार मलिक कासिम, भागने की कोशिश ना करना वरना मैं गोली मार देता। पुलिस तो कई दिनों से तुम्हारी तलाश गिरफ्तार कर रही है। ले चलो इन्हें। अपन तो सासू को पहले माई बाप उतार मानता है। नहीं शौकत, नहीं, अब इस तेरे से धंधा नहीं होगा, कैसे नहीं करेगा? किसकी हिम्मत है जो मुझे तंत्र से रोके? अरे मैं रोकूंगा, मैं। फैजू दादा ने यह धंधा अपनी मर्जी से बंद किया है, किसी दबाव में आकर नहीं। और जब फैजू दादा ने यह धंधा बंद कर दिया है तो फिर कोई भी दोबारा इस धंधे को शुरू नहीं कर सकता, समझे? इसने ठीक कहा, फैजू हम सबका बाप, हमारे भी कुछ असूल। जब बाप ने ही काम बंद कर दिया तो फिर ये हम सबके लिए बंद हो गया। हाँ हाँ, हम सबके लिए बंद हो गया। चलो साथ कहीं और चले, सब्जी की थाली के बैंगन मंगवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर फैजू की यही मर्जी थी तो सरे तस्लीम खम है। हाजी इधर छोड़ दो, लेकिन वो तुझे पकड़ के ले गए जेल में। अचल भाई आ।
खुदा के ये नहीं, ओ मैं क्या, ओ मैं गुंडे कर दिया, तेरे पैसे मैं दे रही हूँ ओ खुदा के लिए दे रही हूँ, आप खुदा के लिए दे रहा हूँ, निकाल मेरी रकम। ओ भाई दे रही हूँ, वो तेरी रकम के साथ मैं सूद भी दे रही हूँ। अबे ओ कलवे, अबे ओ कलवे, आइयो आइयो इधर आइयो, अबे देख इधर, दे सूद के पैसे। दिलावर बेटा, तू कब आया बेटा? रेशमा तुझे बहुत याद करती थी, इसी गम में उसने एक दिन अपने आप को आग लगा ली। माँ और गुड्डू भी अंदर थे। मोहल्ले वालों ने बहुत कोशिश के बाद आग बुझा ली, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फैजू दादा भी न जाने कहां चला गया। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। हाय हाय, क्या मुस्कुराती है मेरी। अरे देख, ये अपने कहा शहर की सबसे अच्छी सौगात है। ईमान से तेरी मुस्कुराहट में सारी दुनिया कुर्बान कर ले। ये मशहूर कहां ले जा रहा है? हाँ
जुबान से बचकर कहां जाए। कौन कहे किसे देखना चाहता है, तो मेरे ईमान है। सच सच छोड़ नहीं सकते। नहीं इंस्पेक्टर, जिस तरह तुम अपना फर्ज नहीं भूल सकते, इस तरह मैं अपना पेशा नहीं छोड़ सकता। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत फर्क है। मैंने मुफलिसी की गोद में जन्म लिया और तुमने खुशियों के आनंद में प्रवेश पाई।
इंस्पेक्टर अगर दुनिया के तमाम लोग शराफत अपना लें तो मुजरिम कौन बने, इंस्पेक्टर कौन कहलाए, इज्जत किसे मिले, जलील कौन हो। तुम इज्जतदारी रहो तो ठीक है, हमारा तो हमारा साया भी नहीं देता। बहुत औकात हमारी की हुई नेकियां भी जिल्लत में बदल जाती हैं और तुम्हारे किए हुए गुनाह इसलिए छुप जाते हैं कि तुम मुहाफिज हो। दिलावर, आज के बाद तुम अपना मुझे मुहाफिज ही नहीं दोस्त भी समझोगे। दोस्त कहने से पहले इंस्पेक्टर अपने मेरे दरमियान फैले हुए इस फासले को समेट सकोगे? दोस्ती किसी शर्त की मोहताज नहीं होती। मुझे अपने मकाम पर ही रहने दो इंस्पेक्टर, इसलिए कि माशा मुझे नफरत की निगाह से देखता है और तुम्हें इज्जत की नजर से। किस मुकाम की बात करते हो दिलावर? मुकाम पेशे से नहीं इंसानियत से बनता है। जानते हो उसे? जानता ही नहीं पहचानता भी हूं। कुछ चार रोज हुए इसकी लाश बंद रोड से मिली, तो मतलब है रेशमा जिंदा है। पानी बस काट ले। इस नागिन के तो हम पहले ही दसे हुए हैं, काटोगी लो काटो। जहर का नशा उतरा या नहीं? कुछ देर तो समझता है जुल्म से अपनी बात मनवा लेगा। प्यार से भी कहा था मेरे क्लब में आ जा, ये सब कुछ तेरा है। मैं ठूक रहा हूँ तेरे इस क्लब पर। क्यों नहीं मानोगी? प्रोफेसर का फोन आया है। हेलो प्रोफेसर, काम हो गया? गुड, वेरी गुड। जी हाँ, शोला को भेज रहा हूँ, साथ ही भेज रहा हूँ। जी जी, ओके। आजम? यस। तुम फौरन प्रोफेसर शिराजी के पास चले जाओ, तुम्हें जो कुछ वो दे एहतियात से यहाँ लेकर आओ। ओके। Ha ha ha!
मुझे शहर चाहिए। Yes, boss. Over. Professor, the file पहुंच गई. Over. Yes, boss. मैं खुद लेकर पहुंचता हूँ. Over. Very good. जल्द पहुंचो. Over and on. Boss, ये briefcase मुझे दे दो. अच्छा हुआ ये रात आज खुल गया कि तुम पुलिस एजेंट हो. जिंदगी चाहिए तो ये ब्रीफकेस मुझे दे दो. जिंदगी में आज तक मैंने कोई चीज हासिल करने के बाद कभी वापस नहीं की. ये कौम की अमानत तुम्हें वापस करना होगी. तुम किस कौम की अमानत वापस लेने आए हो? फलसफा मत पढ़ाओ. ये ब्रीफकेस मुझे दे दो. उठा सकते हो तो ले जाओ. Thank you.
जिंदा छोड़े जा रहा हूं। तौर पर हम इस हद को क्रॉस नहीं कर सकते। हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो जा सकता हूं इंस्पेक्टर। कोई भी सरकारी मुलाजिम इस हद को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सरकारी मुलाजिम मैं भी हूं, लेकिन इस हदूद के आगे भी एक मुलाजिमत है जिसका नाम है कौम। जज्बाती मत बनवाजन, जज्बे का नाम ही तो जिंदगी है इंस्पेक्टर। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ, जिंदा रहा तो कामयाब आऊंगा। खुदा हाफिज। दुनिया ने तुम में खुद कफील होने की।
एटम बम बनाएंगे हर जगह अपनी टांग फंसाएंगे बड़े दोस्त बनते थे अरबों के यहूदियों को शरीर समझते थे यहूदा के बलतारों को सुलेमानी की तामीर का हम हजारों साल से दीवार गिरिया के पास बैठ कर रोते रहे हमारी दुआएं कबूल हुई रब ने यहूदा तेरा लाख लाख शुक्र है हम परेशान हालों पर तेरी नायतों का एहसान अजीम है तूने हमारे गुनाह माफ कर दिए और हमें दर बदर खाना बदोशों की जिंदगी से नजात दिलाई नहीं दानियाल तुम्हारा ख्वाब कभी बुरा नहीं हो कौन रोकेगा हमारे ख्वाब की ताबीर को किसकी हिम्मत है जो हमारे रास्ते में आए तुम हाँ मैं आज मैं हर वो सुराख बंद कर दूंगा जिससे मेरी कौम को डसा जाता रहा तुम जन टकों में बिक जाने वाला एक गद्दार मेरा रास्ता रोकेगा हाँ बहुत सस्ता बिकता रहा लेकिन आज मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हुआ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत की मेरी कीमत नहीं बन सकती मैं अनमोल हूँ दानियाल अनमोल नहीं बेमोल कहो फजल खान बेमोल अरे तुमने हर दौर में जाफर और सादिक पैदा किए हैं हमने तुम्हारी कुव्वत का 65 की जंग में अंदाजा लगा लिया था और तोहफे में मैं क्लब दिए शराब के बार दिए दास्तानें मुहैया की और फिर 71 की जंग में 93,000 जो फौलाद की दीवार कहलाते थे मोम के पुतले बन गए हमने तुम्हारा आदर करवा दिया तुम्हारी कुवत का पुतलों के हाथों शीशा बिखरा दिया पहले हम रोते थे फजल खान अब कयामत तक तुम अपनी जगह पर मातम करते रहोगे लेकिन अब हर्ज नहीं होगा लेकिन तारीख को कोई नहीं बदल सकता मैं उस तारीख का रुख ही बदल दूंगा जहां गद्दार सिर्फ गद्दार होता है ये ठीक है मैं अपनी राह से भटक गया था जुआ शराब चमक इन दुनिया का हर बुरा काम मैंने किया मैं गुनहगार सही लेकिन एक मुसलमान और सच्चा मोहब्बे वतन मैं अपनी काम को आकाश होने नहीं दूंगा मैं तारीख के मुकद्दरों में अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा जिनकी कब्रों पर लोग मोहब्बत के फूल चढ़ाने की बजाय नफरत से थूकते हुए गुजर जाते हैं जब तक मैं तुझे कुत्ते की मौत न मार दूं,
मुझे माफी नहीं आ सकती। Thank you.
दिलावर, इंस्पेक्टर आजम को अपना फर्ज पूरा करने दो। इंस्पेक्टर आजम, कौम की अमानत तुम्हारे सुपुर्द, वतन तू जिंदा।